ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ आप इन तस्वीरों को डिटेल में दर्शकों के लिए समझा पाए किसने शपथ लिया और अब कौन आ रहा है। देखिए ऐसा है कि तकनीकी कारणों से चूंकि वहां पर काफी जैमर्स हैं तो हमें बाहर आना पड़ा है, तो एक नाम जो मैं सुन पाया वो कृष्णा बैरेगौड़ा का है। वरिष्ठ विधायक हैं, पहले भी जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी समझदार मंत्री के तौर पर जाने जाते थे, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अभी चूंकि 24 मंत्रियों को जिन 24 मंत्रियों को आज शपथ दिलाया जाएगा और जिस तरह से शपथ दिलाया जा रहा है आप देखें इसमें, तो इसमें पूरे कर्नाटका के सभी इलाकों का, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय का पूरा ध्यान रखा गया है। कर्नाटका में 15% का जो सीलिंग है पूरे, जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि 15% का जो सीलिंग पूरे देश में लागू है कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, तो चूंकि कर्नाटका में 225 सीटें हैं ऐसे में सिर्फ 34 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ हो सकते थे। तो पहली बार जब यहाँ मंत्रिमंडल बना का गठन हुआ था सिद्धरमैया सरकार के मंत्रिमंडल का, तब वहाँ कुल 10 विधायकों ने शपथ ली थी जिसमें से सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर, डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर और 8 और विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो पहले 10 थे, आज 24, कुल 34 हो गए, यानी कि कोई भी वैकेंसी अब नहीं है। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगले कम से कम लोकसभा चुनावों तक किसी को भी मंत्री अब नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि 34 से ज़्यादा मंत्री हो ही नहीं सकते इस मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के साथ, और ऐसे में अब एक भी वैकेंसी नहीं है, सबको काम करना होगा। ये साफ तौर पर निर्देश पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सत्ता के दो धुरी हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, दोनों के का अपना खेमा है, दोनों के खेमों के अपने अपने मंत्री हैं, अपने अपने विधायक हैं। 135 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, आप देखिए 34 को मंत्री बनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, अब 101 विधायक बच गए और ये सभी जो विधायक हैं ज़्यादातर काफ़ी सीनियर विधायक हैं,
अब इन 101 विधायकों को नियंत्रण में रखना कोई मामूली आसान काम नहीं है। इसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक कमेटी बनानी पड़ेगी, इसलिए कि खेमेबाजी बहुत ज़्यादा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ और 4 विधायक महिला जीती हैं कांग्रेस पार्टी से, सिर्फ एक को महिला को मंत्री पद दिया गया, लक्ष्मी है बालकर को। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि चूँकि आबादी आधी आबादी महिलाओं की भी है और ऐसे में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, शायद 2 महिलाओं या 3 महिलाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से ये आप किस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं साथ ही साथ जो दूसरे उप मुख्यमंत्री और दूसरे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, वो सब किस तरह से इस मामले को संभाल पाते हैं ये देखना होगा। ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಹಾಲ್ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಸವಾಲ್ ಥಾ ಕಿ ಜೋ 24 ಮಂತ್ರಿ ಶಪಥ ಲೇ ರಹೆ ಹೈ ಇಸ್ಮೇ ಕಿತ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೋಂಗೆ ಕಿತ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಂಗೆ ಜರಾ ಥೋಡಾ ಅಗರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಪ್ಕೇ ಪಾಸ್ ಹೋ। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, चलो राय स्वामी देखिए उनके उनका एक बड़ा सा पोस्टर राजभवन के बाहर लगा हुआ है, आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही भरोसेमंद थे कुमारस्वामी के और कहते हैं कि इन दोनों का चोली दामन का साथ था और बड़ा आप खुद को कुमारस्वामी को बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई बताते थे, लेकिन हालात बदले, परिस्थितियाँ बदली हैं, अब वो कांग्रेस के साथ हैं, मंत्री बनाए गए हैं। अब आपका जहाँ तक सवाल है इसमें से कितने कैबिनेट मंत्री होंगे और कितने इसमें से राज्य स्तर के मंत्री होंगे, ये अभी ज़्यादा जिन लोगों ने भी अभी यहाँ पर शपथ लिया है, जो मैं सुन पा रहा हूँ उसके हिसाब से सब ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर ही शपथ लिया है। तो अब देखना है कि जैसे जैसे शपथ ग्रहण आगे बढ़ेगा तस्वीर साफ होती रहेगी। इसमें एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पोर्टफोलियो का क्या होगा, इसलिए कि इस बार जिस तरह से लिंगायतों ने बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया है कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे के बाद, 3 दशकों के बाद, और ऐसे में कांग्रेस ने इन 34 में से 8 लिंगायतों को मंत्री बनाया है, जिसमें महिला लक्ष्मी हपालकर भी लिंगायत हैं, वो भी शामिल हैं, बेलगावी से आती है। इसके साथ साथ देखिए जो बहुत ज़्यादा जो वोटिंग हुई है, गोप्यता प्रमाण वचना की करीब लक्ष्मी आह्वानित होते हैं। यह लक्ष्मी है बालकर की आवाज़ आप सुन रहे थे, जो कि डीके शिवकुमार के खेमे से मंत्री बनी है, काफ़ी नज़दीकी है, महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है, काफ़ी अच्छा भाषण देती है और इस बार वो जीती भी है बेलगावी से। और इस तरह से एक एक करके ये सभी जितने भी मंत्री हैं ये सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, आप देखिए कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी वोट मिला है और इसीलिए 7 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को मंत्री बनाया गया है और 3 शेड्यूल ट्राइब के, तो ये भी एक बड़ी संख्या है। मुस्लिम समुदाय को अगर आप देखें कि तो मुस्लिम समुदाय ने खास करके ओल्ड मैसूर रीजन में बहुत एक साथ खड़े होकर के कांग्रेस को वोटिंग की और इससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई और ऐसे में पहली बार कर्नाटका विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर एक मुस्लिम विधायक को बनाया गया है, जिनका नाम है यूटी कादिर। 5वीं बार वो विधायक बने हैं और वो मैंगलुरु से जीतते हैं, मैंगलुरु शहर जिसको दक्षिण कन्नड़ा कहते हैं, उस जगह से जो कि हाईली पोलराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जीतना कोई आसान बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग की जो घटना होती है इन्हीं इलाकों से होती है और वहाँ से वो लगातार जीतते रहे हैं, वो कहते हैं कि वो बाजीगर हैं और अब देखना है कि उनकी जो बाजीगरी है वो किस तरह से विधानसभा में दिखती है, क्योंकि वहाँ एक स्पीकर के तौर पर एक निष्पक्ष अधिकारी के तौर पर उनको वहाँ पर काम करना है, सभी पार्टियों को एक साथ लेकर के चलना है, तो ये एक बड़ी चुनौती यूटी खादिर के पास होगी, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं।
लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पार्टी आलाकमान की बढ़ जाती है, क्योंकि सत्ता के दो धुरी यहाँ पे, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। पोर्टफोलियो का जब बंटवारा होगा तब हमें देखना है कि किस तरह से सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता है या नहीं। हमारे पीछे राजभवन है, तकनीकी कारणों से हम बहुत नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे जैमर्स लगे हुए हैं। देखिए समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है, यानी कि ये मंत्रियों को लेकर के जो मंत्रिपरिषद जो यहाँ पर तय किया गया है उसमें किसी तरह का कोई विवाद अभी सामने नहीं दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब मंत्रिमंडल किसको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, जब पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा तो क्या इसी तरह की शांति यहाँ रहेगी। हम गोविंद मूर्ति से जो कैमरा पर्सन उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा नज़दीक से आपको राजभवन और उसके आसपास के इलाकों को दिखा सके, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे जाते हैं बहुत सारे जैमर लगा दिए गए हैं और वो फिर हम सिग्नल ब्रेक हो जाता है, इसलिए इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोनों बिल्कुल साफ। डॉक्टर एच सी महादेवप्पा इवरन्नु संपुट दर्जे सचिवरागि अधिकार पद हागू गोप्यता प्रमाण वचन स्वीकरिसलु वेदिकेगे आह्वानिसुत्तेने। एक-एक करके देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ ले रहे हैं। महादेवप्पा ले रहे हैं, बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं यहाँ के, और सिद्धरमैया के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कई बार जीते हैं लेकिन उनको मंत्री पद नहीं मिला है, जैसे आप देश पांडे साहब को लीजिए, बहुत बुजुर्ग नेता है उत्तर कर्नाटक के, लेकिन उनको इस बार मंत्री पद नहीं मिला है। और ऐसे बहुत सारे हैं जैसे हैरिस जो कि बेंगलुरु शहर से हैं, उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि बेंगलुरु शहर से 5 मंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में सबको तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता, तो इस ग्राउंड पे इस बार उनको नहीं मिला। हालांकि बहुत उम्मीद थी कि शायद इस बार उनको मंत्री बनाया जाएगा, लगातार जीतते रहे हैं वो भी लंबे अरसे से जीतते रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु शहर से 5 मंत्री पहले ही बना दिए गए हैं, जिसमें कृष्णा बैरेगौड़ा, आप रामलिंगा रेड्डी, साथ ही साथ के जे जॉर्ज, इस तरह के नाम यहाँ पर शामिल हैं, और ऐसे में उनको मंत्री पद इस बार नहीं मिला है। तो इसका उन्हें उनको नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन वो डीके शिवकुमार के नज़दीक माने जाते हैं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो चर्चा है यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तब वो ज़रूर वो मंत्री बनाए जाएंगे, और ऐसे में कुछ मंत्रियों का पत्ता कटेगा। जाहिर है खेमेबाजी अगर है जिसकी बात कही जा रही है, जिसकी चर्चा है यहाँ पे, अफवाहों का बाज़ार गर्म है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो इस बार मंत्री बने हैं, अगली बार अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है जैसा कि कहा जा रहा है और सत्ता डीके शिवकुमार को अगर दी जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे मंत्री जो अभी बनाए गए हैं उनमें से कई सारे चेहरे अगले मंत्रिमंडल में न दिखें। हालांकि इस बात को लेकर ही इस मंत्रिमंडल के गठन का जो एक्सपेंशन है उससे पहले विवाद हो गया। MB पाटिल एक वरिष्ठ लिंगायत नेता हैं और वो सिद्धरमैया के नज़दीकी हैं, उन्होंने मैसूर में एक बयान दे दिया। उनका ये कहना था कि 5 साल तक सिद्धरमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और इसके बाद डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने भावुक होकर के कहा कि वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, चाहे तो वो जवाब दे सकते हैं लेकिन इसका जवाब वो पार्टी आलाकमान पर छोड़ते हैं। डीके शिवकुमार का भी ये कहना था कि जो पार्टी आला कमान है, खास करके जो सुरजेवाला है, AICC के अध्यक्ष, वो बताएंगे। ईश्वर खंड्रे इवरन्नु संपुट दर्जे सचिव रागे अधिकार पदा हागू गोप्यता प्रमाण वचन स्वीकरिसलु वेदिके गे आह्वानिसुत्तेने। ये वीर शैव लिंगायत समाज से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो जब कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जिस वक्त लिंगायत कांग्रेस का साथ छोड़ रहे थे, तब भी वो कांग्रेस के साथ रहे, और ईश्वर खंड्रे की अपनी एक पकड़ है उत्तर कर्नाटक में लिंगायतों पर, लिंगायत मठों पे काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, और वो जो उनके जो बातचीत करने का अंदाज, जिस तरह से वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्स के तौर पर वो जाने जाते हैं, विवादों से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रशासक के तौर पर भी वो जाने जाते हैं, और लगातार वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते रहे हैं। ऐसे में ईश्वर खंड्रे के बारे में पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि लिंगायतों का रुझान इस बार चूँकि कांग्रेस की तरफ रहा है, तो ईश्वर खंड्रे कांग्रेस के
वरिष्ठ सिपाहियों में से एक हैं, लिंगायत सिपाहियों में से एक है, और उन्हें ज़रूर मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, तो उन्हें मौका दिया गया है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, वो बात यह है कि इस बार लक्ष्मण सावदी, जो कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, उनको टिकट मिला और वो जीत भी गए, लेकिन लक्ष्मण सावदी का नाम हम पूरे इस मंत्रिमंडल के का जो एक्सपेंशन हो रहा है उस लिस्ट में कहीं नहीं देख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तभी लक्ष्मण सावदी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था, तो आखिर लक्ष्मण सावदी का नाम क्यों नहीं है मंत्रिमंडल में, उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? एक अच्छा संदेश जा सकता था लिंगायत समाज के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है जो कि सब लोगों के जहन में है। शायद पार्टी की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर कोई बयान आए तब यह तस्वीर साफ हो पाएगी। तो लक्ष्मण सावदी बड़े लिंगायत नेता हैं, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए, बीजेपी ने तमाम कोशिश की कि उनके खिलाफ वेव वहां पर बने, लेकिन इसके बावजूद वो जीते। हालांकि लक्ष्मण सावदी के साथ ही जगदीश शेट्टर भी आए थे बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में, लेकिन वो हार गए। तो लक्ष्मण सावदी जब जीते लिंगायत नेता हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक अजीब सी बात है जिसका जवाब सब लोग तलाश रहे हैं। अब देखना है कि आधिकारिक तौर पर इस बारे में क्या बयान आता है। निहाल, जो 101 विधायक बच गए, आजकल हर किसी को सत्ता में हिस्सा चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी कमेटियां होंगी या बाकी जगहों पर भी एडजस्ट किया जाएगा जो लोग मंत्री बनने से पीछे छूट गए। जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि 135 जीते, 34 मंत्री बन गए मुख्यमंत्री के साथ, बाकी 101 का क्या होगा? तो उसके बाद में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशन हैं, साथ ही साथ विधानसभा में उपाध्यक्ष का भी एक पद होता है, वो भी दिया जा सकता है, पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन मंत्री सब बनना चाहते हैं। चंद्रा एन राजन्ना इवरन्नु संपुट दर्जे सचिव राजी अधिकार पदा हागू गोप्यता प्रमाण वचन स्वीकरिसलु वेदिकेगे आह्वानिसुत्तेने। जो ना कि MLC है नहीं MLA है, लेकिन उनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, उन्हें भी शपथ दिलाया जा रहा है, तो उनको क्यों दिलाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो बस राजू हैं, ये बस राजू कांग्रेस से के काफ़ी नज़दीकी हैं, ना तो वो विधायक है जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ही वो MLC है, लेकिन उनको बनाया जा रहा है। और इस घड़ी में जबकि उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारे दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को शायद मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, तो आखिर एक ऐसे शख्स को जो ना MLC है ना MLA है, उसको क्यों दिया गया? तो कहते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे मामला चलता रहा है, जब कभी भी चुनाव की बात होती है, तो धन इकट्ठा करने का काम वो करते हैं, और एक बहुत ही अहम कड़ी है कांग्रेस आला कमान और स्थान प्रदेश कांग्रेस के बीच में, और वो इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन रहीम खान जिनको कि मंत्री बनाया गया है उनके पक्ष में उन्होंने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखा शायद, और इसका असर ये हुआ कि आसपास के बहुत सारे सीटों पर इसका सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस को देखने को मिला, इसलिए बसर राजू को उन्होंने इस बार मंत्री बनाने का फैसला किया है। अब चूंकि 135 सीटें कांग्रेस के पास से विधायक की, और ऐसे में 45 सीट चाहिए होती है एक MLC के लिए, तो ऐसे में 3 सीटें बिल्कुल साफ है, किसी भी तीन शख्स को वो MLC बना सकते हैं, तो बसवर राजू का MLC बनना बिल्कुल तय है, 6 महीने के अंदर उनको दोनों में से किसी एक हाउस का सदस्य होना होगा, तो अब MLC का चुनाव होने वाला है तो उसमें वो MLC बन जाएंगे, तो ऐसे करके अकोमोडेट यहाँ किया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक जानकारी और ये है कि 11 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, बिल्कुल उनको अनुभव नहीं है, तो अब देखना है कि किस तरह से पूरा ये जो तालमेल है वो कांग्रेस रख पाते हैं। शुक्रिया निहाल इस पूरे अपडेट के लिए, आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 24 विधायक बारी बारी से मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।